रूस यूक्रेन से लेकर इसराइल हमास के बीच लंबे समय से जंग जारी है। कुछ लोग इन युद्धों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश चाहते हैं कि अब ये युद्ध खत्म हो जाने चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से इनका हल निकालना चाहिए। युद्ध में शामिल देशों के लोग बर्बरता करने वाले और उनका समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जारी विरोध प्रदर्शन। NYU, येल, हार्वर्ड, बोस्टन सहित अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शन मिडिल ईस्ट से न्यूयॉर्क और अमेरिका के अन्य विश्वविद्यालयों तक फैल गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालयों का मैनहट्टन कैंपस प्रदर्शनकारियों का सभा स्थल बन गया है, जहां स्टूडेंट कैंपस में हरे रंग के तंबू लगाकर गाजा में इसराइल द्वारा किए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट नेमत मिनोचे शफीक ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के लिए कैंपस में पुलिस बुला ली, जहां से 100 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया गया। शफीक ने कैंपस ईमेल में लिखा, मैंने ये असाधारण कदम उठाया क्योंकि ये परिस्थितियां असाधारण है। उन्होंने कहा कि गहरे अफसोस के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया है। इधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने गिरफ्तार किए गए छात्रों को भी निलंबित कर दिया। विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि निलंबित किए गए छात्रों को हाइब्रिड मॉडल में पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि छात्रों के साथ ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी एकजुटता दिखाते हुए बाहर निकले और विश्वविद्यालय नेतृत्व की आलोचना करने के लिए वॉकआउट किया। छात्र हमास द्वारा किए गए हमले के जवाब में गाजा में इसराइल रक्षा बलों यानी IDF द्वारा किए जा रहे सैन्य हमलों का विरोध कर रहे हैं। फिलिस्तीन समर्थन कोलंबिया छात्र समूहों के एक गठबंधन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक बयान में लिखा कि हम मांग करते हैं कि गाजा में फिलिस्तीनियों के सामूहिक नरसंहार के खिलाफ हमारी आवाज सुनी जाए। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वविद्यालय भी हिंसा में शामिल है और यही वजह है कि हम विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालयों से गाजा में युद्ध विराम का समर्थन करने और इसराइल से संबंध रखने वाली कंपनियों को अलग करने का भी आह्वान किया है। हालांकि विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यहूदी विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर कोलंबिया में विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले छात्र गठबंधन ने यहूदी विरोधी आरोपों को खारिज कर दिया है और इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, हम नफरत या कट्टरता के किसी भी स्वरूप को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं और उन गैर छात्रों के खिलाफ सतर्क हैं जो छात्रों द्वारा बनाई जा रही एकजुटता को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इन युद्धों में अमेरिका की संलिप्तता को लेकर भी लोगों में नाराजगी है।